जय माता दी, जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। मैं यहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए 20 तारीख को यहाँ आया था, मार्च में यहाँ था। 20 तारीख को मेरे को 3 महीना हुआ यहाँ। मैं गुरुदेव के पास जब आया तो शाम को करीबन 8 बजे थे और बारिश हो रहा था। मैं यहाँ सामने खड़ा था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे अंदर लिया, मुझे खाना खिलाया। सब आज भी खाना खा रहा हूँ, देख रहा हूँ अपने आँखों से। मैं यहाँ गुरु दीक्षा लेने के लिए आया था और गुरुदेव से मुझे मिला तो ऐसा लगा कि मैं सेम माँ और बाप के द्वार में आया हूँ। मैंने यहाँ देखा कि बोल गुरु दीक्षा लेने के लिए आया, लेकिन मेरे को गुरु दीक्षा लेने के पहले बोला बेटा तेरे अंदर मारन है, राख खिलाया। मेरे को गुरुदेव ने उल्टी कराया, पलटी कराया, मेरा तंत्र काट किया। उसके बाद मेरे को अच्छा लगा। अब गुरुदेव मेरे को दीक्षा दे रहे हैं और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप जब तक किसी से मिलो नहीं तब तक उसके बारे में सही चीज पता नहीं होती। जब मैं गुरुदेव से यहाँ मुलाकात हुआ, बैठा, मैं तंत्र किया और यहाँ देखा कि वाकई में यहाँ सनातन धर्म हकीकत चीज है। यहाँ जब तक आपका बोलते हैं दूसरों के शक्ति ट्रांसफर नहीं होता है, जब तक आपके अंदर का पाप कुकर्म कटेगा नहीं तब तक आपको शक्ति प्राप्त नहीं होता है। यहाँ आपको गुरुदेव साधना कराएगा, दीक्षा देगा, तब जाके आप अपने आप को स्वच्छ कर लोगे। उसके बाद ही आपको दीक्षा मिलता है और आपको सिद्धि प्राप्त होती है। मैंने यहाँ देखा कि बहुत गुरु भाई आए हैं, बहुत लोग को दीक्षा दिया। हर किसी को जो उसको प्रिय है, माँ है, बाप है, माँ दुर्गा है, भैरव जी है, जो जिनको प्रिय है वो गुरुदेव ने सबको दिया। आज वो सब भाई अपने स्थान में, कोई आया था छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कश्मीर से, सभी भाई आज मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने यहाँ से गए हैं और आज अपना दरबार और सनातन धर्म को जगह जगह स्थापित कर रहे हैं। बस हमारे गुरुदेव का एक ही उपदेश है कि यहाँ भारत में, छत्तीसगढ़ में हो या पूरे भारत में हो, हर एक जगह सनातनी हो। और सनातन धर्म यही कहता है कि हम किसी सनातनी भाई का खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, न उसका बोले तो आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई हैं। जो दीन दुखी हैं उनका कष्ट ही हरना ही सनातन धर्म का सबसे पहला प्रथम है। और यहाँ तो गुरुदेव ने, मैं देखा हूँ, माँ बहनों का बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। मैंने ऐसा स्थान, ऐसा गुरु माँ का स्थान, गुरुदेव का स्थान कहीं नहीं देखा हूँ। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देखो, ये कलयुग है। कलयुग में जब तक चमत्कार नहीं होगा किसी को यकीन नहीं होगा। आप आइए यहाँ गुरु के द्वार में और अपनी आंखों से चमत्कार देखिए, उसके बाद बोलना कि हाँ कि गुरुदेव सच्चा है या झूठ है। हमारे गुरुदेव का एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म का झंडा इस जग में, इस संसार में अजर अमर रहे। जो हमारी माँ है, कुल देवी माँ है, हमें तो पता नहीं था कि हमारा पितृ क्या है, कुल देव क्या है, हमें तो ये भी पता नहीं था। हम तो बस जो आया दिल में उसी को पूज रहे थे। जब गुरुद्वार आए हैं तो हमें पता चला कि वाकई में सनातनी होता क्या है, सनातन धर्म क्या होता है। मैं यहाँ के, मुझे बहुत अनुभव हुआ और बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं ऐसा गुरु को नमन करता हूँ।